नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा। बॉलीवुड के जाने माने एक्टर मनोज बाजपेयी और लेखक निर्देशक देवाशीष मखीजा का जब भी कोलैबोरेशन होता है तो वो एक फिल्म से ज्यादा दर्शकों के लिए एक ट्रीट बन जाती है। फिर चाहे बात करें शॉर्ट फिल्म तांडव की या डार्क ड्रामा भोसले की, बड़े पर्दे पर ये जोड़ी हमेशा से दर्शकों की पहली पसंद रही है। इसी बीच दर्शकों के लिए खुशखबरी है, एक बार फिर ये जोड़ी बड़े पर्दे पर अपना जलवा बिखेरने के लिए तैयार है। हाल ही में फिल्म जोरम से मनोज बाजपेयी का पहला इंटेंस लुक सामने आया था और अब इस फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है। मखीजा के निर्देशन में बनने वाली फिल्म जोरम के पहले पोस्टर में मनोज के किरदार को बिखरे बालों और लाल आंखों के साथ दिखाया गया था। उन्हें देखकर लग रहा है कि वह भावुक नजर से किसी की तलाश कर रहे हैं। सर पर ग्रे रंग का कपड़ा डाले वो बेहद ही सीरियस दिखाई दे रहे हैं। अब हाल ही में मनोज बाजपेयी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट शेयर करते हुए फिल्म के ट्रेलर के रिलीज होने की जानकारी साझा की है। बता दें कि फिल्म के ट्रेलर को दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। फिल्म की रिलीज में अब बस 10 दिनों का ही समय रह गया है। अब देखना यह है कि ट्रेलर की ही तरह फिल्म भी दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बना पाती है या नहीं। बता दें कि मखीजा के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में मनोज बाजपेयी के अलावा मोहम्मद जिशान अयूब, स्मिता तांबे और मेघा माथुर भी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगी। तो वहीं तनिष्ठा चटर्जी और राजश्री देशपांडे कैमियो रोल में नजर आएंगी। बता दें कि जोरम का अब तक कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियम हो चुका है, जिसमें डर्बन फिल्म फेस्टिवल, बुसान फिल्म फेस्टिवल, सिडनी फिल्म फेस्टिवल और एडिनबर्ग फिल्म फेस्टिवल शामिल है। यह फिल्म 8 दिसंबर को दुनिया भर के सिनेमा घरों में रिलीज होगी। ऐसे ही तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहें इनसाइडर लाइव।